चलिएगा स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्निस्स के ऊपर मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सैटरडे नाइट को मैं क्विज़ लेकर आऊँगा तो आज मैं आपके लिए क्विज़ लेकर आया हूं एक जो टॉपिक यहां पे अपन ने जो कवर कर लिया है जिसका नाम है मोफोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो उसके ऊपर मैं एम लेकर आया हूँ ढेर तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन ही रहेंगे जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन से बात करते हैं ब्लैंक्स इज इज एन एन एग्जांपल एग्जांपल ऑफ। अ राइजोम हिंदी में बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है कौन सा अच्छा एग्जाम्पल राइजोम का है कैरेट स्वीट पोटेटो गार्लिक और जिंजर याद करेगा मैंने आपको बता दिया था स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसके बारे में चर्चा हो चुकी थी तो करेक्ट आंसर आपको यहां पर देखने मिलेगा जिंजर जिंजर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है राइजोम क्या होता है राइजोम के अंतर्गत क्या आता है यहां पे आपको जिंजर आपको देखने को मिलेगा प्लस आपको टर्मेरिक हल्दी और अदरक जो होता है ये राइजोम की कैटेगरी होती है मैंने आपको बता दिया था राइजोम एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम यहां पर कहलाता है चलेगा तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये बात करते हैं हल्दी पौधे के किस भाग से आपको पौधे से कहाँ से मिलती है हल्दी है ये हल्दी जो है ये कहाँ से आपको मिलती है टर्मेरिक आपको कहाँ से या कौन से पोर्शन से आपको प्राप्त होती है गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग सभी लोग का स्वागत है हल्दी कहाँ से आपको मिलती है Okay. मुझे आंसर मिला हुआ है करेक्ट आंसर आपको देखने लगा स्टेम मॉडिफाइड स्टेम हल्दी जो होती है ये दरअसल होता राइजोम हिंदी में इसको आप क्या बोलते हो प्रकंद आप बोलते हो प्रकंद है क्या ये दरअसल आपका जो जो स्टेम उसी का मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस राइजोम में आपको देखने को मिलेगा क्या इसी राइजोम में आपको नोड और इंटर नोड आपको देखने को मिलेंगे मैंने आपको स्टेम की डेफिनेशन आपको बताई थी जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए क्या नोड देखने को मिल जाए और इंटर नोड देखने को मिल जाए नोड और इंटर नोड जहां आपको देखने को मिले यही कहलाता है आपका स्टेम कहलाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा स्टेम इज द करेक्ट आंसर चलेगा बात करते हैं अगला क्वेश्चन हल्दी के किस भाग से पाउडर प्राप्त किया जाता है ओके जो हल्दी पाउडर जो आप देख रहे होंगे टर्मरिक पाउडर जो आप देखते हो ये किस पोर्शन से आपको देखने को मिलेगा चार ऑप्शन यहां पे दिए गए एनडीए का क्वेश्चन है हल्दी के किस भाग से इस पाउडर को प्राप्त किया जाता है ओके okay, बात करते हैं जो ड्राइड राइजोम जो होता है अभी मैंने आपको बताया हल्दी होता क्या है हल्दी राइजोम जो होता है देखिएगा राइजोम जो होता है हिंदी में इसको आप क्या बोलते हो प्रकंद इसको आप कहा जाता है जब इसको ड्राई जब सुखा दिया जाता है इसी से आपको क्या मिलता है टर्मेरिक पाउडर आपको यहां पर देखने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया भाई चलेगा अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर रहा ये किस पादप में तना संचयन चिरकालिता का कार्य कर रहा है संचयन मतलब जो फूड को यहाँ पे स्टोर करने का काम करेगा लंबे समय तक करेक्ट आंसर आपको यहां पर बी देखने को uh, आपको यहां पर सी देखने को मिलेगा सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहां पर है बात करते हैं जो ब्लैक पेपर जो होता है काली मिर्च जो होता है काली मिर्च का जो पौधा जो होता है ये दरअसल होता क्या है बुश छोटी झाड़ी होती स्मॉल ट्री होता क्रीपर होता है कि ट्री आपको देखने को मिलता है तो ये काली मिर्च का जो प्लांट जो आपको देखने को मिलेगा या वो क्रीपर की कैटेगरी में आपको देखने मिलेगा क्रीपर को हिंदी में आप बोलते हो बेल या लता ये दूसरे के थोड़ा उसको सहारा चाहिए होगा दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ने के लिए बात करते हैं प्याज में कौन सा पदार्थ खाया जाता है प्याज में कौन सा पदार्थ पाया जाता है इडेबल पोर्सन ऑफ अनियन इज प्याज का खाने वाला पदार्थ कौन सा सारी की सारी बातें डिस्कशन हो चुकी हैं क्योंकि मैंने मॉर्फोलॉजी के ऊपर आपके साथ डिस्कशन यहाँ पे करा दिया है तो उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहा यदि अपन प्याज की बात करते हैं कंडेंस जो आपको आपको लीव्स देखने को मिलेंगी जो आपको फ्लैसी लीप जो आपको देखने को मिलती है मानसल जो पर्यटन आपको देखने को मिलते हैं ये इसके ईडेबल पोर्शन में आता है ईडेबल खाद्य पदार्थ या खाने योग्य पदार्थों में आपको देखने को मिलेगा चलेगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर रहाइए पूछा जाता है कि जो प्याज में जो खदा खाद्य पदार्थ स्टोर है ये केमिकल रूप से रासायनिक रूप से क्या होता है सेल्लोस प्रोटीन स्टार्च और शुगर तो मैं आपको बता दूं जो प्याज में जो आपको खाद्य पदार्थ स्टोर आपको देखने को मिलेगा ये दरअसल कहलाता है मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी चर्चा हो चुकी थी ये प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलबॉलोज और ये सेल्यूज होता क्या है ये आपको देखने को मिलेगा ये आता पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा पॉली का मतलब मेनी सेकेराइड का मतलब सुगर मॉलिक्यूल जो कि ढेर सारे सुगर मॉलिक्यूल से मिलकर यहां पर ये बना हुआ होता है चलेगा बात करते हैं कि हरे पत्तों का कौन सा कार्य यहाँ पर नहीं है मतलब ढेर सारे यहाँ पे कार्य लिखे हुए हैं कौन सा कार्य जो होते हैं ग्रीन लीव्स हरे पत्ते यहाँ पर नहीं करते हैं सीडीएस का क्वेश्चन है टू में क्वेश्चन पूछा गया था तो जो हरे पत्तों को जो कार्य आपको देखने मिलेगा आहार का निर्माण बिल्कुल करता है ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के माध्यम से वाष्पोसर्जन के माध्यम से एबन करता है विभिन्न प्रकार के गैसों को यहां पे छोड़ता है जल का वाष्पीकरण भी यहां पर होता है स्टोमेटा के माध्यम से हाँ डी बिल्कुल ही गलत है कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर ये बिल्कुल काम इसका नहीं होता है एक वास्तविक फल जिसमें वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है या किससे ये बनता है ये मैंने कल ही आपको डिस्कशन कराया था याद करिएगा जब मैं आपको फ्रूट के ऊपर डिस्कशन करा रहा था फल के ऊपर मैं आपके साथ चर्चा यहाँ पे कर रहा था तो मैंने आपको यह बताया था जो फ्रूट जो होता है जो फल जो होता है फल का निर्माण कैसे होता है तो मैंने फल के दो टाइप आपको बताए थे एक ट्रू बताया था और एक फॉल्स बताया था तो वास्तविक फल से मतलब देखो रियल फ्रूट या इसी को आप बोलोगे क्या ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है सत्य फल कहा जाता है तो करेक्ट आंसर आपको देख में क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऐसा बताया था कि ऐसा फल जो कि कहां से ओबरी से डेवलप होता है जो कि अंडाशय से विकसित होता है उसको क्या बोला जाता है उसको ट्रू फ्रूट कहा जाता है सत्य फल कहा जाता है तो देखिए जो केवल अंडाशय में विकसित होगा या अंडाशय से विकसित होगा इसको यहां पे ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है चलेगा अक्ष पर पत्तियों का जो विस्तार जो होता है या बस्तियों का जो लगने का जो क्रम जो होता है इसको यहां पर क्या कहा जाता है वेनेसन तो मैंने आपको बता ही दिया था वेनेसन वैनेसन मैंने आपको यह बताया था जो पत्तियां जो होती हैं पत्तियों में जो श्राविनयास जो होता है इसको वैनिसन कहा जाता है ये वैनिसर मैंने आपको पहले बता दिया तो इसको बोलते हैं करेक्ट आंसर इसका रहेगा फाइलोटैक्सी पत्तियों पर जो व्यवस्था का क्रम होता है सॉरी तने के ऊपर जो पत्तियों का उगने का जो क्रम होता है वो कहलाता है फायर आपको यहां पर देखने को ही मिलेगा चलिएगा पूछ रहा कि घटपर्णी का जो घट जो होता है पिक्चर प्लांट का जो पिक्चर होता है ये किसका रूपांतरण आपको देखने को मिलेगा ओके okay. तो पिक्चर प्लांट का जो पिक्चर जो होता है इसके स्टेम इस का ही मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलता है यदि कभी आपने पिक्चर प्लांट को गौर से आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके का आपको पिक्चर प्लांट आपको दिखाई देगा ये देखिएगा ये ये यहाँ पर रहेगी लीफ रहेगी या पत्तियां आपको देखने को मिलेगी पत्तियों का जो अगला भाग जो होता है पिक्चर या घट के रूप में परिवर्तित हो जाता है यही कहलाता है आपका क्या पिक्चर प्लांट कहलाता है इसको आप घट पढ़ने के नाम से भी आप सभी लोग जानते होंगे पादप जो ऊपर चढ़ते हैं जो क्लाइंबिंग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं तो किसके द्वारा ऊपर पर चढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे तो मैं आपको बता दूं, जो पादप जो कुछ आपने बेल जैसे कुछ, होते हैं, तो कुछ आपको, इस तरीके के आपको दिखाई दिए होंगे गौर से आपने कहीं देखा हो तो कुछ इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर आपने देखे हुए आप। तो ये जो होता है इसको यहां पर बोला जाता है टेंडल के होते किसी चिपक कर उसके माध्यम से ये किसी के ऊपर चढ़ता है तो टेंडल के माध्यम से यहां पर चढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं तो ये बिल्कुल ही सही आंसर आपको यहां पर दिखाई देगा जो क्लाइमिंग प्लांट होते हैं वो टेंडल के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं आपको ये बताना कौन सा सही मैच नहीं है कौन सा सही मैच नहीं है आपको यहां पर ये आंसर मुझे करके आपको बताना है कौन सा सही मैच आपको दिखाई नहीं दे रहा है या कौन सा सही मैच नहीं है ओके करेक्ट आंसर मुझे मिला है सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है देखिएगा पोटैटो तो मैंने आपको बता दी दिया पोटैटो जो किस कैटेगरी में आता है पोटैटो आपको ट्यूबर की कैटेगरी में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ट्यूबर इसको हिंदी में यहाँ पे कंद कहा जाता है ट्यूबर तो क्योंकि जो पोटैटो जो होता है यहाँ पे आपको देखिए कुछ डिप्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो इसमें ये डिप्रेशन जो होते हैं इनको यहाँ पर नोड कहा जाता है और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इसको यहाँ पे इंटर नोड कहा जाता है तो मैंने आपको बता ही दिया था जो स्टेम जो होता है यहां पे नोड और नोड पाए जाते हैं तो आलू मॉडिफाइड स्टेम में आता है रूपांतरित तना में आता है मूल बिल्कुल भी कतई ये नहीं होता है तो सी बिल्कुल ही गलत आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन ये पूछा कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछा है इसको यहाँ पे एंथोलॉजी कहा जाता है एंथोलॉजी बात करते हैं जो लाइफ साइकिल जो होता है पौधे का उसकी दृष्टि से पौधे का कौन सा महत्वपूर्ण भाग होता है कौन सा महत्वपूर्ण अंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो पौधे की यदि बात करें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग कौन सा लाइफ साइकिल की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर जो होता है फूल जो होता है फीमेल पोर्शन भी देखने को मिलता है तो इसी के माध्यम से ही तो यहाँ पर पहुंचते हैं ये पॉलिनेशन प्रोसेस कहलाती है क्योंकि जीवन चक्र की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा गया है तो जीवन चक्र की दृष्टि सामान्यतः आंसर क्या होगा फूल इसका महत्वपूर्ण भाग होगा क्योंकि फूल के अंदर ही नर जननांग और मादा जननांग आपको देखने को मिलते हैं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी पौधों के बारे में या फूलों के बारे में कौन सा सही है उभयलिंगी देखिए यहां पे आपको दिखा देखा देगा उभयलिंगी जिसको मैंने एक टर्म आपको बताया था उभयलिंगी का मतलब यहां पे आपको देखने को मिलता है मोनोसियस मोनोसियस याद करिएगा मोनोसियस जो मैंने आपको बताया था मोनोसियस का मतलब ऐसे याद करा था मोनो मतलब दोनों जब मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेल या दोनों ऑर्गन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं तो इस फ्लार को या इस प्लांट को बोलते मोनोसियस फ्लार या प्लांट कहा जाता है या हिंदी में उभयलिंगी पौधे यहां पर इसको कहा जाता है तो इसमें पुंकीसर भी देखने को मिलेगा स्टेमिन और कार्पल अंडप दोनों आपको देखने को मिलते हैं तो बी बिल्कुल ही सही आंसर यहां पर होगा चलिएगा बात करना चाहूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि जो फूलगोभी जो होती है यहां से कौन सा भाग इसका खाने योग्य होता है या कौन सा भाग यहाँ पे खाया जाता है फूलगोभी का कौन सा भाग यहाँ पे खाया जाता है कौन सा भाग खाने योग्य होता है फूलगोभी जो होती है सर खाने योग भाग में मैं आप खाने योग भाग में आपको बता दूं जो फ्लावर जो क्लस्टर जो होता है पुष्प समूह यही सब खाने योग्य वाला भाग आपको देखने को मिलेगा चलिएगा।

विश्व का सबसे बड़ा फूल है तो अभी मैंने आपको आंसर ही इसका दिया था क्या रेफ्लिसिया जो आपको देखने को मिलेगा ये सबसे बड़ा फूल है ये आपको थाईलैंड तरफ आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा फूल होता है कि करीब आदमी भी इसके ऊपर बैठ जाए करीब दो करीब तीन या पांच तीन से पांच मीटर का इसका डायमीटर आपको ब्यास आपको देखने को मिलेगा चलिएगा बात करते हैं परागण की प्रक्रिया क्या कहलाती है परागण क्या कहलाता है तो परागण मैंने आपको बताया था परागण क्या कहलाता है जो परागकोष जो होते हैं एंथर जो होता है यहाँ से बर्तिकाग्र फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन जो होता है यहाँ तक परागकणों का पहुँचना इसी को यहाँ पर क्या बोला जाता है परागण की प्रक्रिया कहा जाता है तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सी इज द करेक्ट आंसर पराग से कहाँ तक स्टिग्मा तक पराग, तक पराग का जो स्थानांतरण जो होता है इसी को यहाँ पे पर परागण कहा जाता है चलेगा बात करते हैं जब हवा से परागण होता है तो उसको क्या बोला जाता है जब हवा से परागण होता है तो इसको यहां पे एनिमोफिली कहा जाता है ये भी मैं आप सभी लोगों को पढ़ा चुका हूं एनिमोफिली एनिमोमीटर जो हवा का वेग को मापता है हवा के वेग को मेजर करता है

ऑर्निथोलॉजी पॉलिनेशन थ्रू बर्ड जब पक्षियों के द्वारा परागण होता है तो उसको बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी और और का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड तो यहां से एक शब्द बन जाता है उस समय भी मैंने आपको बताया था शब्द को बना के ऑर्निथोलॉजिस्ट इसको हिंदी बोलते हो पक्षी विशेषज्ञ तो उसका नाम आता है फेमस नाम श्री सलीम अली साहब ये भारत में फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे पक्षी वैज्ञानिक रहे इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया या पक्षी प्रेक्षक या पक्षी आ, पक्षी पुरुष या बर्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया पक्षी प्रेक्षक इनको यहां पर कहा जाता है इन्होंने पक्षियों में पक्षियों के विषय में भारत में बहुत कई महत्वपूर्ण यहां पे कार्य किए हैं चलेगा तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा फॉल्स फ्रूट आपको देखने को मिलेगा तो मैंने आपको यह बताया था कि जो फॉल्स फ्रूट जो होता है जो अदर देन ओबरी ओबरी के अलावा जो दूसरे भागों से जो विकसित होता है इसको यहाँ पे फॉल्स फ्रूट कहा, कहा जाता है असत्य फल कहा जाता है याद आ रहा हो तो मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको देखिए बताया था एप्पल और पियर मैंने क्वेश्चन भी किया था भाई एप्पल और पियर को आप याद रखिएगा पियर मतलब होता है नाशपाती ये दोनों के दोनों फॉल्स फ्रूट कैटेगरी में आते हैं जो कि यहां पर थैलेमस से विकसित होते हैं जो कि पुष्पासन से विकसित होते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर सॉरी ए, ए बिल्कुल ही सही आंसर होगा सेव जो रहेगा ये बिल्कुल ही सही आंसर आपको यहां पर दिखाई देगा चलेगा का वह भाग जिसको लीची लीची का जो भाग जो खाया जाता है कौन सा भाग कहलाता है तो मैंने आपको ये याद कराया था मैंने लीची जो होता है यहां से जो फ्रेसी एरल जो होता है एरल वाला भाग जो होता है इसको यहां पर खाया जाता है तो इसी जो होती है लीची जो होती है नट की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी नट्स की कैटेगरी ये हेस्पेरिडियम ड्रूप ये है क्या ये सभी के सभी फलों की प्रकार आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे चलेगा बात करते हैं टमाटर क्या है तो टमाटर में आपको बता दूं टमाटर आपको फल की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा ये एक प्रकार का फल ही होता है जो कि ओबरी से डेवलप होता है एक संग्रहित फल संग्रहित फल कि जो एनर्जी को स्टोर करके यहां पे रखता है तो जो मलबरी जो होता है जो, सहतूत जो होता है ये स्टोर्ड फल में स्टोर्ड फ्रूट की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा बात करते हैं लीची का कौन सा पोर्शन खाया जाता है अभी मैंने आपको बताया फ्लैसी एरल जो मांसल एरल वाला भाग जो होता है लीची में ये यहां पर खाया जाता है थेलेमस किसमें खाने योग्य यो होता है तो मैंने आपको बता दिया था जो एप्पल जो होता है सेब जो होता है एप्पल और पियर जो होता है से यहाँ पर डेवलप होते हैं तो यहाँ पर ये से ही पे इनका विकास होता है इसलिए फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में भी आते हैं और यही इनके यहाँ पर खाए जाते हैं वट आर द सीड ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट मेड ऑफ पुष्पी पौधों के बीच किससे यहां पर निर्भित होते हैं तो ये कॉटेलिडन से डेवलप होते हैं ये पुष्पी पौधे जो होते हैं ये पे से विकसित होते हुए आपको यहां पर दिखाई देंगे चलिएगा मैंने एक शब्द भी आपसे पे डिस्कशन किया था मैंने ये मेंस में क्वेश्चन बना हुआ है मैंने आपको बताया भी था मैं आपको बता दू पार्थिनोकार्पी किसी को याद आ रहा हो तो ये मैंने डिस्कशन भी किया था पार्थिनोकार्पी का मतलब यहां पे होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के फल यहां विकास बनना फल का बनना इसको पार्थिनोकार यहां पे कहा जाता है देखो यहां पे लिखा है जब मैंने एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर देखे बताया था एग्जाम्पल मैंने आपको बनाना का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको केले का एग्जाम्पल दिया था मैंने बोला था किसी ने केले को देखा हो तो केले को पौधे को आप गौर से आप देखिएगा इसमें यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा फूल निकलना शुरू होगा और सीधा फल बनना क्या हो जाएगा शुरू हो जाता है यहाँ पर, पर मेल फीमेल ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है मतलब जब बिना निषेचन के फल तैयार हो जाता है इसको बॉटनी या वनस्पति विज्ञान की लैंग्वेज में पार्थिनोकार्पी कहा जाता है इसी को हिंदी में बोलते पार्थिनोकार्पी को अनिशेक फलन कहा जाता है ये देखो बिना निषेचन के बिना देखो बिना निषेचन के अंडे में भ्रूण का बनना बनना की बात कर रहा है तो जेनेसिस, ये देखो आप उसी को इंग्लिश में पूछ लिया कोई भी अंतर नहीं है पार्थिनोजेनेसिस जेनेसिस आपने सी आंसर क्यों लगाया क्योंकि तो देखिए ये लिखा क्या पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनो जेनेसिस का मतलब जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और पार्थिनो का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना निषेचन के यहां पर बनना निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का भाग आपको देखने को कौन सा अलैंगिक कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है अच्छा अलैंगिक मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी मैंने एक बार आपके साथ डिस्कशन किया था जो रिप्रोडक्शन जो होता है दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा पहला कहलाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा और दूसरा कहलाएगा आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे आपको गेमिटो जेनेसिस आपको देखने को मिलेगा दरअसल यहाँ पे गेमिट फॉर्मेशन होता है यहां पर नए गेमिट बनते हैं जबकि ए सेक्सुअल में गेमिट फॉर्मेशन नहीं होता है तो पूछ रहा कि कौन सा है जो कि आपको देखने को मिलेगा तो ये देखिएगा ये मुकुलन विखंडन बाइनरी फिजन तीनों, तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके किसकेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जबकि जीरोक्शन का एग्जाम्पल है जीरो गैमी पर निशेचन पर निशेचन का मतलब ये एक फूल लगा हुआ है ये एक फूल लगा हुआ है ये मेल वाला फ्लावर है ये फीमेल वाला है तो यहां से पोलन ग्रीन यहां तक जब पहुंचते हैं तो इसको यहाँ पे पर निशेचन कहा जाता है ये कहलाता अलैंगिक प्रजनन का भाग ये नहीं है ये दरअसल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये लैंगिक प्रजनन का भाग आपको दिखाई देगा बात करते हैं युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो यहां पर क्या बनता है बनेगा? बनेगा बनेगा? ये भी मैंने आपको बताया है लिखा हुआ है जब गेमीट मिलते हैं तो यहाँ पर जो बनता है तो आपको देखने को, को मिलेगा क्या ये डिप्लॉयड जायगोट यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखाई देगा कैसे डिप्लॉयड जायगोट बनता हुआ दिखाई देगा मैंने आपको एग्जाम्पल दे बताया था सपोज ये हो गया क्या ये हो गया मेल हो गया ये हो गया क्या ये फीमेल हो गया मेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं मेल में छियालीस क्रोमोजोम फीमेल में कितने मैं ह्यूमन की चर्चा कर रहा हूं यहां पर छियालीस क्रोमोजोम यदि बात करो मेल की जो रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है जनन कोशिकाएं जो होती हैं यहां पे आपको देखने को मिलेगा स्पर्म हिंदी में आप क्या बोलते हो तो शुक्राणु और यहां पे आपको देखने मिलेगा क्या ओबम हिंदी में क्या बोलते हैं और अंडाणु में जो डिवीजन जो होता है विभाजन जो होता है यहाँ पे आपको मियोसिस, आपको देखने को मिलेगा। मियोसिस का मतलब अर्ध अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब यहां पर होता है नंबर ऑफ क्रोजुम यहाँ पे हाफ हो जाते हैं तो ट्वेंटी आपको यहां देखने को मिलेंगे ट्वेंटी थ्री यहां पर और ट्वेंटी थ्री यहां पर और ट्वेंटी थ्री यहां पर जब ये जब ये किसी जायगोट को बनाएंगे तो 23 थ्री क्रोजोम यहां से आते हैं और 23 थ्री क्रोजोम यहां से आते हैं और ये फोर्टी सिक्स दोबारा से मेंटेन हो जाता है तो 46 ही हो गया, ये टू एन हो गया और 23 थ्री को मैंने बोल दिया एन तो ये डिप्लॉइड युगमनस डिप्लाइड गेमिट फॉर्मेशन होता है कहां पर जब सनल होता है युगमक है, जब गेमिटो फ्यूजन होता है तो डिप्लॉइड युगमनस बनता है चलेगा अगला क्वेश्चन ये था, आपकी स्क्रीन के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी पिगमेंट होता है तो मैंने आपको बता दिया था जो लाइकोपिन पिगमेंट होता है लाइकोपिन वर्णक जो होता है टमाटर के रंग के लिए उत्तरदायी होता है जबकि जो एंथ्रोसाइनइन जो होता है या आपने सुना बीटा बलगेरियस इसको हिंदी में आप क्या बोलते हो चुकंदर के नाम से आप जानते हो यदि आप नाम सुना को चुकंदर तो चुकंदर में कुछ लाल लाल सा वो निकलता वो दिखाई देता है दरअसल दरअसल ये पिगमेंट होता 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 है 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 बीटा जो 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 गाजर का का लाल रंग ए उसी ने क्वेश्चन कर दिया गाजर का रंग किसकी मौजूदगी की वजह से आपको ऐसा दिखाई देता है तो अभी मैंने आपको आंसर ही बताया था जो बीटा कैरोटिन होता है इसकी वजह से ये आपको गाजर का रंग लाल सा आपको दिखाई देगा बात करते हैं जो पपीते का जो पीला रंग जो होता है किसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा पपीता जो होता है ये कुछ पीले रंग का आपको दिखाई देता है ऐसा क्या होता है पपीते के अंदर जिसकी वजह से आपको ये पीला दिखाई देता है दीजिएगा आंसर पहले इस क्वेश्चन का तो बात करते हैं कैरी का जेंथेन देखिए कैरी का जेन्थिन ये आपको पपाया में आपको देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आपको ये पपीते का जो रंग जो होता है आपको पीला सा आपको दिखाई देता है चलेगा बात करते हैं मिर्च का जो तीक्षणता होती किसकी वजह से होती है मिर्च जो होती किसकी वजह से आपको तीखी लगती है तो बात करते हैं मिर्च में होता कैप्सिकम एक कंपाउंड आपको देख मिलेगा कैप्सिकम जब कभी भी आपको मिर्च लगती है तो लोग बोलते पानी पी लो तो यदि आप पानी पियोगे सपोज आपने क्या किया पानी आपने पीना शुरू कर दिया और मिर्च आपको लगी थी बहुत तेज तो पूरा का पूरा स्टमक आपका जलने लगेगा इन्फ्लामेशन बहुत तेज हो जाएगा क्यों कैप्सिकम जो पानी के साथ घुलेगा और कैप्सिकम नीचे तक स्टमक में पूरी जलन पैदा कर देगा और जब कभी भी आपको मिर्च लगे तो मिर्च लगने पर क्या करना चाहिए मिर्च लगने पर कोई भी आप ऐसा प्रोडक्ट उपयोग करिए जिसमें कैसीन प्रोटीन हो आप पीके आपको तुरंत आराम मिलेगा क्यों जो कैसीन प्रोटीन का काम करता है इस कैप्सिसिन को एंट्रैप कर लेता है इस कैप्सिसिन को यहाँ पर पकड़ लेता है इसकी वजह से क्या होता है तीखापन बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा या तीखापन लग रहा है तो आप दही आप के आप देखिएगा तुरंत तीखापन आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है क्योंकि कैसिन प्रोटीन क्या काम करता है ये कैसिन प्रोटीन जो होता है कैप्सिकम को क्या करता है एंट्रेप कर लेगा कैप्सिसिन को ये पकड़ लेगा इसकी वजह तीखापन तुरंत खत्म हो जाता है जब कभी भी आपको मिर्च लगे तो आप बिल्कुल यूज करिएगा मिर्च लगने पर जो यूज किया जाना है आपको करना क्या है आपको दूध पीना है या आपको दही जैसा भी आप पी पा रहे हो उसको आप पी अच्छा उसको आप पियेगा आप देसी दही को पियोगे तुरंत आपको रिलीफ तुरंत आपको आराम मिल जाता है

जो सिनकोना का प्लांट जो होता है उसकी छाल जो होती है उसका जो बार्क जो होता है यहाँ से एंटी मलेरियल ड्रग बनाई जाती है मलेरिया प्रतिरोधी दवाई आपको बनती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी इस भाग से हाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी जब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी जैसे टॉपिक खत्म होगा ये अपना पॉलीमर वाला चलना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो फिर मैं दूसरा कोई नया टॉपिक यहां पे स्टार्ट कर दूंगा चलेगा बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा पादप पादपों में प्रवर्धन में योगदान नहीं देता है अच्छा तो सामान्य भाषा में क्वेश्चन कर रहा है कि ये कौन सा जो कारक है जो परागण नहीं करता है तो हवा बिल्कुल परागण करती है हवा के द्वारा परागण जब होता तो है इसको आप क्या बोलते हो इसको आप एनिमोफिली के नाम से जानते हो जब जंतु परागण करते हैं तो उसको आप जूफिली के नाम से आप जानते हो जब जल के द्वारा परागण होता तो है उसको आप हाइड्रोफिली के नाम से जानते हो कबक कोई परागण नहीं करती है तो बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पूछना है कि जो कोरिएंडर जो होता धनिया जो होता है तो कौन सा भाग इसका उपयोग किया जाता है तो आप सभी को पता धनिया का सबसे पहले आप पत्तियां आप उसका उपयोग करते हो पत्ते उसका उपयोग करते हो और जो उसके ड्राई सूखे फल भी उसका उपयोग करते हो जो पाउडर जो होता कोरिएंडर पाउडर वो उसके ड्राई फ्रूट का ही पाउडर आपको यहां पर देखने को मिलता है चलेगा अफीम किस भाग से प्राप्त की जाती है

सिनामोम जिसको आप बोलते हो दालचीनी जो होती है इसकी छाल आपको मसाले के डिब्बे में देखने को मिल जाएगी आ, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है केसर के लिए कौन सा यूज उपयोग किया जाता है मैं आपको बता दूं जो बर्ती जो होता है स्टेगमा जो होता है ये देखिएगा ये ये

कौन सा पादप रेसा तनी से प्राप्त होता अच्छा तनी से प्राप्त होने वाला कौन सा यहां पे तो रेसा होता है तो कपास तो नहीं है स्क्वायर नहीं है आपको जो सन जो होगा या आपको जो सन जो होगा या सन ही इसको आप बोलते हो ये आपका प्राप्त होता पौधे से प्राप्त होने वाला रेसा होता है इसका उपयोग जूट की तरह रस्सियां वगैरह बनाने और ढेर सारे उत्पाद बनाने में किया जाता है तनी से कौन सा रिसा जो होता है तनी से प्राप्त नहीं होता तो मैं आपको बता दूं सन बिल्कुल तनी से आपको मिलेगा पटसन आपको तनी से मिलेगा जूट भी आपको तनी से मिलेगा हाँ कपास ये आपको देखा आपने होगा तो बीज से विकसित होता है ये सीड से विकसित होता है जो कपास आपने किसी ने कपास का पौधा यदि आपने देखा हो तो आपको जानकारी इसके बारे में होगी चलेगा बात करते हैं जो लौंग जो होती है लौंग कहाँ से प्राप्त होती है दरअसल लौंग जो होती है जो उसकी बड जो होती है कली जो होती है वह फूल की जो कली जो होती है वहां से आपको देखने को मिलती है ये लौंग बात करते हैं ओपीएम तो अब ओपीएम में अभी आपको बता दिया था लेटेक्स जो निकलता है चर्चा भी हो चुकी थी जो बिना पक्का जो पौधा जो होता है उसमें कट लगा दिया जाता है सुबह सुबह और यहां से जो लेटेक्स जो निकलता है इस लेटेक्स से क्या किया जाता है ओपीएम को प्राप्त किया, किया जाता है ओपीएम को ओपीएम को यहाँ पे प्राप्त किया जाता है चलेगा ऊतक का नाम बताइए जो पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाता है इसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा कर चुका था मैंने आपको दो ऊतक के बारे में डिटेल में जानकारी बताई थी मैंने वो एक ऊतक जो होता है इसको आप बोलते हो जाइलम कहलाता है ये जायम क्या काम करता है जड़ों के माध्यम से खनिज और खाद्य पदार्थों को कहाँ तक ये पत्तियों तक पहुंचाता है और पत्तियां क्या, क्या काम करती हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करती हैं और जो यहाँ पे स्टार्च या फूड मटेरियल बनाती हैं ये पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का जो काम जो होता है अलग अलग भागों तक पहुंचाना ये जो काम जो होता है इस काम को करने काम कौन करता है ये काम फ्लोएम यहाँ पे काम करता है बात करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से चढ़ता अभी मैंने आपको आंसर ही इसका दे दिया है जो पानी ऊपर चढ़ता है जाइलम के माध्यम से ऊपर चढ़ता हुआ आपको यहां पर ये यह दिखाई देगा दिखा। पौधों में जाइलम की उपस्थित निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है तो मैंने आपको बता दिया जल का परिवहन आपको देखने को मिलेगा जल और जो खनिज पदार्थ जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम ये साइलम टिश्यू यहां पर ये करता है चलेगा पौधे में जो फ्लोएम जो होते हैं ये क्या काम करता है तो अभी मैंने आपको बताया था पौधे में जो फ्लोएम का काम क्या होता है जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के, के माध्यम से जो पत्तियां जो होती हैं जो पत्तियों में जो खाद्य पदार्थ जो बनता है इसको अलग अलग भागों तक पहुंचाना ये जो काम जो होता है ये फ्लोएम टिश्यू यहाँ पे काम करता है या फ्लोएम ऊतक का काम आपको यहाँ पर ये यह देखने को मिलेगा बात करते हैं जो पेड़ की जो आयु को निर्धारित करने की आ, कौन सी विधि यहाँ पर होती है तो मैं आपको बता दूं कभी आपने टिम्बर वाले के पास आप गए हो तो उसके पास आप देखिए किसी कटे पेड़ को आपने देखा हुआ हो तो कटे पेड़ में कुछ इस तरीके के आपको कटे हुए से आपको रिंग आपको दिखाई देते हैं इन रिंग को बोला जाता है रिंग कहा जाता है इनको क्या कैम्बियम रिंग कहा जाता है ये कैम्बियम रिंग क्या काम करते हैं ये हर बसंत के मौसम में एक कैम्बियम रिंग का विकास यहाँ पर हो जाता है बालो उसमें दस कैम्बियम रिंग है तो मैं बता सकता हूँ करीब इसकी आयु आठ से दस साल के बीच होगी इन कैम्बियम रिंग को कुछ एनुअल रिंग के नाम से भी जानते हैं या हिंदी वाले इसको वार्षिक वलय के नाम से भी जानते हैं ये वार्षिक वलय हर साल आपको एक वार्षिक वलय आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो इसके जो पेड़ों के छल्ले जो होते हैं इनको गिनकर पेड़ की आयु का निर्धारण किया जाता है विज्ञान की एक शाखा भी इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी यदि आपने कहीं पढ़ा हो डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो यही है इन छल्लों को गिनकर उसकी आयु का निर्धारण करना इसी को बोला जाता है क्या डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है वाणिज्यिक मूल वाला जो कॉर्क जो होता है किससे प्राप्त होता है तो याद करिएगा किसी यदि मेरे से साइटोलॉजी पढ़ी होगी साइटोलॉजी हिंदी में मैंने होता था तो कोसी का विज्ञान जो कॉर्क जो होता है एक पेड़ होता है उसको बोलते हैं ओक ट्री उससे बनाया जाता है और उस ओक ट्री का बॉटनिकल नेम होता है क्वारका सुवर क्योंकि तो इसमें सुबेरिन नाम का एक आपको कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा तो क्वेरकस आपको आपको आंसर देखने को मिलेगा डी इज द करेक्ट आंसर ये मैंने आपको साइटोलॉजी में बताया था हालांकि मैंने इस चैनल के ऊपर तो नहीं पढ़ाया है पुराने चैनल के ऊपर मैंने जरूर इसको पढ़ाया है यहां पर मैं साइटोलॉजी भी आपको पढ़ा दूंगा हर रंग किसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है हर रंग आपको सभी को पता होगा ये क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से आपको हर रंग यहां पर देखने को मिलता है मैग्नीशियम किसका मुख्य घटक होता है तो मैं आप सभी को बता दूं जो क्लोरोफिल जो होता है यहाँ पे केंद्रीय धातु या सेंट्रल मेटल के के तौर पर मैग्नीशियम पाया जाता है पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा सहायक तत्व होगा तो मैंने भी आपको बताया मैग्नीशियम कोर मेटल के तौर पर पाया जाता है तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम बिल्कुल होगा ही आप क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो उसमें मैग्नीशियम आपको सेंट्रल मेटल के तौर पर आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है तो ये क्या कहलाता है तो अभी मैंने आपको डिस्कशन नहीं किया है ये होता है क्या क्लोरोफिल कहलाता है तो आप सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा में जल्दी से आपको बताता हूँ देखिएगा सिक्स सी ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ यहाँ पर मैंने रिएक्शन के ऊपर लिखा सनलाइट हिंदी में इसको बोलोगे आप सूर्य प्रकाश और नीचे मैंने लिखा क्या, क्या? क्लोरोफिल तो यहाँ पर क्या बना सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स होल एन प्लस सिक्स ओ टू तो हरे पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उपयोग करके सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ स्टार्च ये देखिए। भोज्य पदार्थ स्टार्च बनाते हैं और साथ ही सभी क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है इस प्रोसेस को ही बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्वेश्चन आपकी स्टेट पी ने पूछ भी लिया है जो जो स्टार्च होता है ये पॉलीसेक्राइड कैटेगरी का आपको देखने को मिलेगा ये पॉलीसेक्राइड होता है पॉलीसेक्राइड का मतलब यहां पर यह होगा ढेर सारे शुगर मोलिक्यूल से मिलकर ये बना हुआ रहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड पानी से खालिस्तान को संश्लेषित करते तो अब देखिएगा ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आपसे पूछ रहा है अब यहां पर तो सर स्टार्च तो है ही नहीं आपने तो यह सिखाया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में स्टार्च बनता है मगर अब स्टार्च नहीं है स्टार्च है क्या हमने आपको यह जरूर बताया है स्टार्च है आपका पॉलीसेकेराइड है पॉली का मतलब मैनी और सेकेराइड का मतलब सुगर मॉलिक्यूल देखिएगा सी सिक्स ओ सिक्स होल एन इसका मतलब क्या है होल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं दरअसल है क्या ये ग्लूकोज ही रहेगा ग्लूकोज का पॉलीमर है स्टार्च तो मैं आंसर क्या लगाऊंगा मैं ये आंसर की तरफ बिल्कुल जाना चाहूंगा ए आंसर बिल्कुल सही आंसर भी होगा चलेगा पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहा जाता है तो अभी मैं आपको कई बार आपको बता चुका हूं इसको इंग्लिश में बोला जाता फोटो कहा जाता है और हिंदी इसी को बोलते प्रकाश संश्लेषण इसी को हिंदी में कहा जाता है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था रिएक्शन के जब ऊपर लिख रहा था मैं क्या क्लोरोफिल और ऊपर मैंने क्या लिखा था सनलाइट तो सूर्य से ही ऊर्जा को यहां पर क्या करते हैं ये प्राप्त करते हैं सूर्ज का अधिकतम यौकीकरण किसके द्वारा होता है मतलब यौकीकरण का मतलब ये होता है कि उत्पाद फिक्सेशन कौन कर रहा है तो पौधे तो उसका फिक्सेशन कर, तो कर, कर रहे हैं ग्रीन प्लांट ही तो फिक्सेशन कर रहे हैं जो कि उसको स्टार्च में यहां पर कन्वर्ट करने का काम करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में आपको देखने को मिलेगा चलेगा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो हो रही है यहां पर ये होता सोलर एनर्जी जो होती है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है मतलब सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होते हुए आपको दिखाई देगी कहीं पर है कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा तो नहीं है हाँ मगर प्रकाश ऊर्जा जरूर दिखाई दे रही है तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कहां पर हो रहा है ये कन्वर्ट हो रही है किसमें केमिकल एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित होते हुए मुझे यहां पर दिख रही है चलेगा सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप पर चलता है अच्छा ये किस प्रकाश में पूछ रहा है कौन सा प्रकाश में मैग्जिम आपको देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दूं ब्लू और रेड कलर में आपको ये मैग्जिम आपको देखने को मिलता है ये प्रैक्टिकल से निकाला गया है ये बिल्कुल ही सही आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो होती है सर्वाधिक कहां पर होती है ये सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगी कहां पर नीले और लाल प्रकाश में आपको सर्वाधिक यहाँ पर देखने को मिलेगी चलेगा जितने भी लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग का बहुत बहुत तो स्वागत है लेक्चर डिलीवर यहाँ पे, पे, पे सैटरडे होता है तो सैटरडे को जनरली मैं क्विज ही लेकर आता हूँ तो क्विज में ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व कराता हूँ तो मैं आपको बता दू यहाँ पर मैं रात को डेली साढ़े नौ बजे यहाँ पर एक लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करता हूँ तो साढ़े नौ बजे वाला जो लेक्चर जो होता है यहां पर मैं आप सभी के साथ डिस्कशन कर रहा हूं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर तो जो भी लोग यहां पर पढ़ना चाहते हैं पॉलीमर जो भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं पॉलीवर बिल्कुल आके जुड़ सकते हैं डेली रात में साढ़े नौ बजे तो साढ़े नौ बजे वाली क्लास बिल्कुल लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी इस क्लास में लगातार मैं आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ इस चैनल जो है साइंस और टेक का स्पेसिफिक चैनल है वर्गनेक्स यहाँ पर मैं साइंस और टेक की बातें ही करता हूँ और डिटेल में साइंस और टेक के सारे कंसेप्ट में आपको यहाँ पर बताता हूँ चलेगा मुलाकात होगी आप सभी लोगों से कल तो कल से मुलाकात करते हैं तो इस जर्नी को यहाँ से अपन आगे की तरफ बढ़ाएंगे ओके भाई थैंक यू सभी लोगों को भाई गुड नाइट सब बख